जब उनकी डेथ हुई तो अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जेएस मिल विमेन की एजुकेशन के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इतना ज़्यादा दिल से मिल चाहते थे विमेन का एम्पावरमेंट हो और उनको इक्वल राइट्स मिले। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जेएस मिल के पॉलिटिकल थॉट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेएस मिल वीडियो सीरीज का 5th पार्ट है, जिसमें हम उनके सब्जेक्शन ऑफ विमेन की थ्योरी को समझेंगे। मिल ने अपनी वाइफ हेरियट टेलर के साथ मिल करके एक किताब लिखी जिसका नाम था सब्जेक्शन ऑफ विमेन। इसी बुक में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन होता क्यों है, मिल के व्यूज क्या थे इस पे। फिर हम देखेंगे कि क्यों सब्जेक्शन ऑफ विमेन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मिल ने क्या कहा। फिर हम समझेंगे कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन को कैसे खत्म किया जाए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल एक्शंस क्या लिए थे जेएस मिल ने सब्जेक्शन ऑफ विमेन को अबॉलिश करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन होता क्या है। सब्जेक्शन ऑफ विमेन क्या है? ये एक तरीके का सोसाइटल और कल्चरल प्रैक्टिस है। ऐसी प्रथा है जिसमें औरतों को आदमियों से कम समझा जाता है, इन्फीरियर समझा जाता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको। जैसे कि उनके फ्रीडम पे लिमिटेशन लगाया जाएगा, अंकुश लगाया जाएगा, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। अलग अलग एरियाज में जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स के फील्ड में उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये होता है सब्जेक्शन ऑफ विमेन, एक तरीके का ऐसा कल्चरल प्रैक्टिस जिसमें औरतों को आदमियों से कम समझा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्यों होता है सब्जेक्शन ऑफ विमेन, इसके बारे में जेएस मिल ने क्या कहा था। तो मिल कहते हैं कि बहुत सारे कारण है, रीजन है जिसकी वजह से सब्जेक्शन ऑफ विमेन होता है, जिसमें से पहला कारण वो बताते हैं हिस्टोरिकल एक्सीडेंट। मिल कहते हैं कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट है। हम सभी को पता है और हमेशा से ये प्रथा चली आ रही है कि जो स्ट्रांग होता है वो वीक को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, गाइड करता है। हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाएगी, जो स्ट्रांगर है वो जो वीकर है उसको कंट्रोल करेगा। तो मिल कहते हैं कि पुराने समय से ही ये एक प्रथा थी, ये एक ऐसा प्रैक्टिस था कि सोसाइटी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया था। वो लोग जो फिजिकली स्ट्रांग थे वो डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे। जो मेन है, जो आदमी है, वो जनरली फिजिकली स्ट्रांग होते हैं औरतों से, इस वजह से वो औरतों के ऊपर डोमिनेट कर पाते थे, उनको कंट्रोल कर पाते थे। तो पुराने समय से ही ये प्रैक्टिस चली आ रही है, ये एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट है। तो ये नेचुरल था कि क्योंकि मेन बाय डिफॉल्ट विमेन से ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग थे, इस वजह से वो उनको कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में जब ये फैक्ट सबको समझ में आ गया कि विमेन जो है वो कहीं से भी आदमियों से कम नहीं है, ये फैक्ट समझ में आ जाने के बाद भी पहले से चले आ रहे रूल्स रेगुलेशंस इतने ज़्यादा डोमिनेंट थे कि ये रियलाइज होने के बाद भी कि औरतें भी इक्वली केपेबल है, उनको डोमिनेट किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। फिर दूसरा रीज़न क्या है सब्जेक्शन ऑफ विमेन होने का, विमेन को कंट्रोल किए जाने का दूसरा रीज़न क्या है? लीगल पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको किसी एक राइट से या प्रिविलेज से डिप्राइव रखा जाए, वंचित रखा जाए, स्पेशली राइट टू वोट। मिल कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही सिस्टमेटिकली सिस्टम को ही ऐसा डिजाइन किया गया था कि औरतों को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से दूर रखा जाए, ताकि मेन जो है अपना पावर उनके ऊपर बनाए रख सके, अपने कंट्रोल को, अपने पावर को मेंटेन कर सके। मतलब स्टार्टिंग से ही विमेन को वोटिंग राइट नहीं था, वो किसी भी पॉलिटिकल स्फीयर में, किसी भी पॉलिटिकल एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। ये जानबूझकर किया गया, सिस्टम को ही इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि विमेन को डोमिनेट किया जा सके और बिना पॉलिटिकल पावर के विमेन अपने इंटरेस्ट्स को, अपने डिमांड्स को सामने नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से उनको सब्जेक्शन झेलना पड़ा, उनको कंट्रोल फेस करना पड़ा। तीसरा क्या रीजन था सब्जेक्शन ऑफ विमेन का? यस, मिल के हिसाब से सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। मिल कहते हैं कि विमेन को इस तरीके से सोशलाइज किया गया बहुत छोटी उम्र से, ताकि वो कंट्रोल में रहना सीख जाए, ताकि वो कंट्रोल होना सीख जाए। औरतों को शुरू से ही
ही सिखाया गया कि आपको मेन को ओबे करना है, उनको फॉलो करना है। तो विमेन का बहुत छोटी उम्र से इस तरीके से सोशलाइजेशन किया गया कि वो इस चीज को फॉलो करें, और ये सोशलाइजेशन और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गया, इंटेंसिफाइड हो गया एजुकेशन सिस्टम की वजह से। पहले इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम भी होता था जो फोकस करता था कि उनको डोमेस्टिक स्किल्स में पारंगत होना है, घर के कामकाज सीखने हैं, और विमेन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन और एजुकेशन किया गया विमेन का कि वो कंट्रोल में रहना सीख जाएं और हमेशा मेन उनको डोमिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके। फिर नेक्स्ट रीजन मिल ने क्या बताया, सब्जेक्शन ऑफ विमेन का इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। मिल कहते हैं क्योंकि औरतें हमेशा से ही आदमियों के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रही हैं, जिस वजह से उनको कंट्रोल किया जाता है। वो हमेशा ही जो भी सोर्स ऑफ इनकम रहा है उसके लिए मेन पे डिपेंडेंट रही हैं, जिसकी वजह से हमेशा उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको कंट्रोल किया गया। फिर नेक्स्ट रीजन बताते हैं जेएस मिल, सब्जेक्शन ऑफ विमेन का मैरिज। मिल कहते हैं कि मैरिज इज द चीफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्जेक्शन। सब्जेक्शन का चीफ इंस्टीट्यूशन है मैरिज। वो कहते हैं कि मैरिज के बाद, शादी के बाद अनइक्वल पार्टनरशिप होती है मेन और वुमेन के बीच में। देखो मैरिज का क्या मतलब है, शादी का मतलब है दो लोग साथ में आएंगे और आगे जीवन में जो भी काम करेंगे दोनों इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन क्या होता था कि मैरिज जो है उसके बाद अनइक्वल पार्टनरशिप होती थी, और ये एक तरीके का लीगलाइज्ड बॉन्डेज या स्लेवरी हो जाता था। कि मतलब अब अगर किसी आदमी ने किसी औरत से शादी कर ली तो वो उसकी लीगल स्लेव हो गई, लीगली उसकी दासी बन गई। अब उसका सारा काम करेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, उसका घर साफ रखेगी। कहीं से भी इक्वल पार्टनरशिप नहीं होती थी, जिसको मिल उस वक्त ही समझ गए थे, और उन्होंने बोल दिया था कि मैरिज तो एक विमेन के सब्जेक्शन का चीफ इंस्टीट्यूशन है, और मैरिज एक लीगलाइज्ड बॉन्डेज है, लीगलाइज्ड स्लेवरी है, कि आप उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। मिल कहते थे कि मैरिज के बाद, शादी के बाद औरतों की जो सिचुएशन है वो स्लेव से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। उनको प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं मिलता था, और उनको अपनी चिल्ड्रन का, अपने बच्चों की कस्टडी का भी कोई राइट नहीं मिलता था अगर वो इनकेस डाइवोर्स लेती है। उनको कोई इनहेरिटेंस भी नहीं मिलता था। तो इस सिचुएशन में वो मैरिज से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। मैरिज के अलावा, अपनी शादी के अलावा, अपनी पति की पत्नी होने के अलावा उनका कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होता था, कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं होता था, और ना ही उनके पास कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती थी, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन स्लेव से भी ज्यादा बुरी हो जाती थी आफ्टर मैरिज। तो मैरिज को भी एक बहुत बड़ा रीजन बताते हैं जेएस मिल विमेन के सब्जेक्शन का, मतलब जिस तरीके से उस वक्त होता था ये प्रैक्टिस, उसको वो बहुत बड़ा रीजन बताते हैं सब्जेक्शन ऑफ विमेन का। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सब्जेक्शन ऑफ विमेन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मिल क्या कहते हैं। तो पहला रीजन वो देते हैं कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन होने से यूटिलिटी का लॉस होता है। देखो मिल एक यूटिलिटेरियन थे, ये बात अलग है कि उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को रिफॉर्म किया, लेकिन बेसिकली वो यूटिलिटेरियन थे, यानी कि वो मानते थे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट मिल सके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन होने की वजह से पूरी सोसाइटी में जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है उसके ब्रेन पावर को और उसके टैलेंट को पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी का एक बहुत बड़ा यूटिलिटी लॉस हो रहा है। मतलब अगर सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 50 औरतें होंगी अप्रॉक्स, तो उन 50 लोगों को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आप एक तरीके से 50 लोगों के ब्रेन पावर को कंप्लीटली यूज नहीं कर पा रहे हो, जिससे सोसाइटी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन मिल देते हैं कि इस वजह से सब्जेक्शन ऑफ विमेन नहीं होना चाहिए। दूसरा वो रीजन बताते हैं कि सब्जेक्शन ऑफ विमेन होने की वजह से लिबर्टी का भी लॉस होता है। मिल जो है वो लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, वो कहते थे कि हर किसी को लिबर्टी मिलनी चाहिए, और सब्जेक्शन ऑफ विमेन होने की वजह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लिबर्टी से डिप्राइव्ड रह जाता है, वंचित रह जाता है, जो सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर तीसरा रीजन वो देते हैं क्यों सब्जेक्शन ऑफ विमेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो लॉजिकल बेसिस ऑफ द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। ऐसा करने का कोई लॉजिकल बेसिस ही नहीं है। मिल कहते हैं कि विमेन के पास भी सेम कैपेसिटी है तर्क करने का और सेल्फ डेवलपमेंट का जितना कि मेन के पास है, और उनके बीच में किसी भी तरीके का अंतर करना, भेदभाव करना, ये बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि मेन और विमेन के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उनको उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेन फिजिकली स्ट्रांग है तो विमेन जो है वो मॉरल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे इक्वली केपेबल है। तो उनके साथ किसी कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से या कोई प्रथा फॉलो करने के लिए आप उनके साथ अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा लॉस है पूरी सोसाइटी
सोसाइटी के लिए, इस वजह से सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। फिर वो नेक्स्ट रीजन क्या देते हैं कि क्यों सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं कि इस प्रैक्टिस की वजह से आदमियों को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उनको भी हार्म हुआ है, इसने मेन के नेचर को और इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट को डिबेस किया है और उनके मैनलीनेस को भी डाइल्यूट किया है। ये वर्ड यूज करते हैं जेएस मिल। वो कहते हैं अगर पब्लिक स्फीयर में वुमेन आएंगी और इक्वली पार्टिसिपेट करेंगी तो इससे मेन का भी फायदा होगा, वो ज्यादा सिविलाइज तरीके से बिहेव करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। आपने देखा होगा कि जहां पे सिर्फ मेन काम करते हैं वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, वो उतने ज्यादा कल्चर्ड बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन अगर औरतें भी वहां पे काम करती हैं तो वो थोड़ा अपने आप को सिविलाइज्ड दिखाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। तो ऐसा मिल कहते हैं कि अगर वुमेन भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगी पब्लिक स्फीयर में तो जो मेन है वो सिविलाइज्ड बिहेव करेंगे और उनका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ सब्जेक्शन ऑफ वुमेन कैन बी एंडेड, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन को कैसे खत्म किया जा सकता है। पहला तरीका वो बताते हैं इक्वल एजुकेशन। मिल कहते हैं कि वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन को भी वही सेम एजुकेशन मिलना चाहिए जो मेन को मिलता है। ऐसा करने से वुमेन को वो नॉलेज और स्किल मिलेगा जो उनके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ एडिशनल जो जेंडर रोल्स और एक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है वुमेन को लेकर के वो भी खत्म होगा, उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन को खत्म करने का, सफरेज यानी कि इक्वल वोटिंग राइट। मिल जो है वुमेन सफरेज के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, उनका मानना था कि वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए और उनको पॉलिटिक्स में इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनका मानना था कि वुमेन की जो वॉइस है, वुमेन का पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी पॉलिटिकल एरेना में। वो कहते थे कि वुमेन को अगर राइट टू वोट मिलेगा तो जेंडर बैरियर्स ब्रेक होंगे और एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इक्वल और इगैलिटेरियन सोसाइटी बन पाएगी। फिर तीसरा तरीका क्या है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन को खत्म करने का, इक्वल राइट अंडर द लॉ, यानी कि कानून के अंडर, लॉ के अंडर वुमेन को इक्वल राइट मिले। मिल ऐसा बिलीव करते थे कि वुमेन को सेम लीगल राइट्स मिलने चाहिए जो मेन को मिलते हैं और कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करता हो। मिल का ये मानना था कि वुमेन को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलना चाहिए और उनको राइट्स मिलने चाहिए कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सके और मेन उनको डिक्टेट ना करे। वो राइट टू गेट इजी डाइवोर्स के बारे में भी बात करते हैं कि वुमेन को अगर डाइवोर्स चाहिए तो उनको इजिली मिल जाना चाहिए, इस तरीके के कानून बनने चाहिए। फिर चौथा तरीका क्या बताते हैं वो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन को खत्म करने का, कल्चरल चेंज, कल्चर में चेंज आना चाहिए। मिल का ये मानना था कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन को खत्म करने के लिए सोशल जो एटीट्यूड है, सोसाइटी में लोगों का जो एटीट्यूड है औरतों को लेकर के, उसको बदलने की जरूरत है, जो कल्चरल नॉर्म्स है उनको बदलने की जरूरत है। वो कहते हैं कि इस तरीके का कल्चर होना चाहिए जिसमें वुमेन को एक इंडिविजुअल की तरह देखा जाए, उनको हमेशा मेन से जोड़कर ना देखा जाए और सोसाइटी में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसके लिए सिर्फ औरतें आवाज उठाएंगी तो कुछ नहीं होगा, औरतों को भी आवाज उठाना पड़ेगा और मेन को भी इक्वली सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो ये कुछ तरीके बताए जेएस मिल ने जिससे कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन खत्म हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एक्शंस टेकन बाय मिल टू अबॉलिश सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन को खत्म करने के लिए जेएस मिल ने क्या प्रैक्टिकल एक्शंस लिए थे। मिल विमेन सफरेज मूवमेंट के एक्टिव मेंबर थे और एज एन एमपी हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने एक पिटिशन प्रेजेंट किया विमेन सफरेज के फेवर में, जिसको 1500 औरतों ने साइन भी किया था। उस वक्त कोई बिल आया था, डिजरेलीज रिफॉर्म बिल, जिसमें एक शब्द यूज किया था मैन। उस वक्त जेएस मिल ने इस बात की वकालत की थी कि मैन की जगह पर्सन का यूज किया जाना चाहिए ताकि इसमें औरतों को भी इंक्लूड किया जा सके, उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था उस टाइम पे। 1873 में जब जेएस मिल की डेथ होती है उस टाइम पे वो अपनी आधी प्रॉपर्टी विमेन्स के एजुकेशन के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस थे जो जेएस मिल ने लिए जिससे सब्जेक्शन ऑफ वुमेन खत्म हो सके और वुमेन को एम्पावरमेंट मिल सके। मिल की जो ये फेमिनिस्ट थिंकिंग थी और औरतों को लेकर उनका जो ये पॉजिटिव अप्रोच था, इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनकी वाइफ हैरियट टेलर का। और मिल ने जो ये बुक लिखी थी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो उन्होंने अपनी वाइफ हैरियट टेलर के साथ मिल करके ही लिखी थी। तो ये हमने डिस्कस किया जेएस मिल के सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के कॉन्सेप्ट को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल।